नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार 11 चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच की ड्रीम 11 टीम। तो फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि इतना लेट मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं 2 घंटे बाद ही, मतलब 2 घंटे पहले ही दे सकता हूँ। पहले दे देता तो आप वहाँ पर मिस कर सकते थे काफ़ी प्लेयर। तो फ्रेंड्स चलिए टीम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश विकेट कीपिंग सेक्शन पे। विकेट कीपिंग पे यहाँ पे 2-3 अच्छे ऑप्शन हैं। लिप्टन दास मेरे को लगता है खेलेंगे, लेकिन विकेट कीपिंग मुझे ऐसा लगता है कि मुशफिकुर ही करेंगे। तो मुशफिकुर यदि किए तो ठीक, नहीं किए तो ठीक, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुशफिकुर बैटिंग तो ज़रूर ही करेंगे और मुशफिकुर वहाँ पे आपको अच्छे पॉइंट दे देंगे। और शेन डाउरिच के साथ जा सकते हैं, डाउरिच अच्छी बैटिंग कर सकते हैं आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बैटिंग बात की जाए तो वहाँ पर मैंने लिया तमीम इकबाल, आप जानते हैं कितने ख़तरनाक प्लेयर है ये। शाही होपफुल या मैंने ब्रेथवेट के साथ आप जा सकते हैं, क्रेग ब्रेथवेट, और फिर मिनिमल हक और कैराइन पोवाल हैं। डेवन स्मिथ को मैंने लिया, अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका। इमरुल काइस के साथ आप जा सकते हैं, यहाँ पे हेटमायर का अच्छा ऑप्शन है, मैंने उन्हें लिया है। काइस के साथ आप जा सकते हैं। अब बात की जाए ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में यहाँ पे भारकर अच्छे ऑलराउंडर है। यहाँ पे आपके 5 के 5 ऑलराउंडर यदि मेरे कोई चुनने को बोले तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ही ले सकते हैं। तो मैंने लिया साकिब अल हसन को, जो कि बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी हैं। और रोस्टन चेस आप जानते ही हैं कितने ख़तरनाक खिलाड़ी हैं, स्पिन बॉलिंग करेंगे, बैटिंग तो करते ही हैं ज़बरदस्त। और फ्रेंड्स महमूदुल्लाह को मैं बैटिंग में सोचा था बैट्समैन में के ऑप्शन में आएंगे, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में आया तो वहाँ पे मेरा एक प्लेयर और घट गया। महमूदुल्लाह को तो लेना ही था, चाहे जहाँ पे मिल जाए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो बॉलिंग में काफ़ी अच्छे ऑप्शन इस टीम में है। मैंने लिया गैब्रियल को, गैब्रियल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं वेस्ट इंडीज के लिए, काफ़ी सैल्यूट मारते हैं जब विकेट ले लेते हैं। फिर रुबेल हुसैन को मैंने लिया, देवेंद्र बिशू को लिया, बिशू बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम में। यहाँ पे केमार रोच का अच्छा ऑप्शन है, रोच के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन मैं बिशू के साथ गया हूँ। वहाँ पे इस्लाम का भी ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है केमार रोज ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद एक यहाँ पे आप इनको ये हेटमायर की जगह आप काइस को ले लीजिए, हाँ ठीक, ये टीम ठीक रही। फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने केमार रोज को ले लिया। चलिए अब यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होंगे, रुबैल हुसैन, इस्लाम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, कीमो पाउल ठीक ठाक ऑप्शन है, रबी नहीं खेलने वाले हैं, ये भी इस्लाम, ये दोनों, अबू जायद भी खेल सकते हैं शायद, और कमिंस खेलेंगे ये बात तो तय है वेस्ट इंडीज के। और फ्रेंड्स कुछ अब बात करते हैं कुछ टीम कुछ इस प्रकार की रहेगी। और फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन आया मैंने महमूदुल्लाह को, यहाँ पे रोस्टन चेस अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने फिर उन्हें ही आप ले सकते हैं। वहीं बात की जाए साकिब अल हसन को मैंने बनाया वाइस कैप्टन। फ्रेंड्स टीम अपनी कुछ इस प्रकार की होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो यार लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब ठोक दो यार वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।